नमस्कार, विराट 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ही। रीवा जिले के बदमाशों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। जहां राह चलते लोगों के साथ लूटपाट की घटनाएं घटित हो रही हैं, वहीं पलक झपकते ही ताला चटकाकर घरों से कीमती सोने चांदी के जेवर चुराकर बदमाश चंपत हो जाते हैं और पुलिस परछाई तक नहीं पकड़ पाती। एक बार फिर बदमाशों ने विश्वविद्यालय पुलिस को खुली चुनौती देते हुए स्टेट बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी सुबह हुई तो हड़कंप मच गया। खिड़की तोड़कर घुसे बदमाश 3 कीमती कंप्यूटर सिस्टम चुरा ले गए हैं। गनीमत रही कि बदमाशों के हाथ नकदी नहीं लगी। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन बदमाशों ने नकाब चढ़ा रखा था जिसके चलते पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में भटक रही है। अब देखने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय थाना से महज चंद कदम इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में संचालित स्टेट बैंक में चोरी की घटना का पुलिस खुलासा कर पाती है या अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। आइए दिखाते हैं किस तरह से चोरी की वारदात हुई और पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी ने क्या जानकारी दी है। हाँ, 13 नवंबर 2022 एवं 14 नवंबर 2022 की दरमियानी रात में एक चोर दो लोग मुंह बांध करके 2:05 से 6 के बीच में अंदर गए हैं और वहाँ का लगे हुए ताले तोड़े हैं। उसमें 3 कंप्यूटर सेट चोरों ने कर दिया है और सुबह जैसे ही सूचना मिली तो वहाँ पर तत्काल फिंगरप्रिंट की टीम, डॉग स्क्वाड, फोटोग्राफी का साइबर सेल फोन ले जाकर वहाँ जांच की, FIR कायम कर ली गई है एवं विवेचना के सारे पहलुओं पर काम किया जा रहा है। इसमें कुछ कैश भी गया? कैश नहीं जा पाया। क्या क्या गया उसमें? 3 कंप्यूटर सेट उसके साथ, मॉनिटर है, माउस है, वही सब चीज़ है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में है, लेकिन वो चूँकि मुँह बांध के रखा उन्होंने इसलिए उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है और वहाँ जो भी साइंटिफिक टूल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के उसका इस्तेमाल करके शीघ्रतापूर्वक उसका खुलासा किया जाएगा।